नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं पावर ग्रिडर लिमिटेड कंपनी में नई भर्ती निकली है ट्रेनी ऑफिसर की, तो आप इसमें किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आवेदन ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, सभी कुछ जानकारी आपको A to Z हम बताने वाले हैं। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए, भर्ती संबंधित जानकारी चाहिए, तो भी वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा सभी जानकारी देंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी वेबसाइट भी है जिसका नाम है GoRNews24। ठीक है, यहाँ पर हम GoRNews24 जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट पर आपको आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉलो का, इसे आप जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, पावर ग्रिडर कंपनी में ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी, एज लिमिट 28, सैलरी 1 लाख रुपए तक। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी जानकारी यहां पर देखने को मिल जाएगी। एंड कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, पावर ग्रिडर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 47 पद पर भर्ती निकाले, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत जनरल कैटेगरी के 21 पद हैं, SC के 7 पद है, ST के 3 पद है और OBC के 12 पद है और EWS के 4 पद शामिल है। सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों के 1 साल के लिए ट्रेनिंग पहले दी जाएगी। भर्ती का पद अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो भर्ती का पद है, इसमें भर्ती का पद है ट्रेनी इंजीनियर का। ठीक है, उसके बाद अगर हम आवेदन प्रारंभ की तारीख की बात करें तो इसके आवेदन जो है वो 16/10 से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 16/10 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 16/10 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तारीख की अगर हम बात करें तो 6/11/2024 यानी 6 नवंबर 2024 इसके लास्ट डेट है। ₹500 आवेदन शुल्क रहेगा जो कि ST SC EW सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रहेगा। टोटल पद की बात करें तो टोटल 45 पद है और जो चिन्हित किया गया पद है केवल ट्रेनी इंजीनियर का पद है दोस्तों। आयु सीमा की बात करें उम्मीदवारों की, अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए, यानी अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते तो अधिकतम आपकी उम्र 28 साल होनी चाहिए। OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी और ST SC वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम 5 साल की छूट इसमें मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से इलेक्ट्रिकल BI या BTEC, BSc इंजीनियरिंग या उससे उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास BTEC, BI है, BSc है या अगर ये नहीं है उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका 60% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक गेट का 2024 एग्जाम का वैलिड स्कोर कार्ड जरूरी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड है, आपका निवास प्रमाण पत्र है, फोटो है, बैंक पासबुक है, सिग्नेचर है, शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, CPCT का सर्टिफिकेट अगर है तो अच्छी बात है। उम्मीदवार जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें दोस्तों, तो चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मतलब अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको एक वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रतिमाह आपको 12% की दर से 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपए के वेतन मान दिए जाएंगे, भत्ता दिया जाएगा। 1 वर्ष के प्रशिक्षण सफल होने के बाद उन्हें 30,000 से 1,20,000 रुपए तक जो है वो वेतन मान दिया जाएगा। ई स्तर पर सहायक अभियंता के रूप में रखा जाएगा। कैटेगरी के अनुसार सर्विस ब्रांड आपको भरना होगा। देखिए, अगर आप इसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कम से कम 3 साल तक निगम में सेवा देने के लिए ब्रांड भरना होगा। ठीक है, कि हम 3 साल इसमें सेवा देंगे, 3 साल से ज्यादा भी देना चाहते हैं तो 3 साल तो आपका मिनिमम ब्रांड भरना ही होगा। OBC EWS उम्मीदवारों के लिए 5 लाख का ब्रांड रखा गया है और ST SC के लिए 2.5 लाख। मतलब ओबीसी कैटेगरी और EWS कैटेगरी और सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 लाख रुपए जमा करने होंगे और PWD उम्मीदवारों को, ST SC उम्मीदवारों को 2.5 लाख रुपए। यानी कि अगर आप इसमें इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको जो 5 लाख रुपए, जो 2.5 लाख रुपए जो आपको वो रिफंडेबल रहेंगे। ठीक है, और जो आवेदन शुल्क है वो रिफंडेबल नहीं रहे। अब आवेदन आप किस प्रकार से करते हैं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है,
होम पेज पर जॉब अपॉर्चुनिटी टैब पर क्लिक कर देना है। ओपनिंग सेक्शन में भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। लॉगिन के बाद फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद आपको जरूरी जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा उसे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद इसका आपको प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। प्रिंट आउट रखने के बाद आप इसमें आवेदन आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा इसके। ठीक है, जो भी पेमेंट है वो काटने के बाद आप इसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। ऑफिशियल आवेदन की वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ देर वेट कर लेना है। पावर ग्रिडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ गए हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पावर ग्रिडर कंपनी ऑफ लिमिटेड का उद्गम भारत सरकार का उद्गम आपके पास जो है वो पूरा 10 पेज का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।